नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जूसोलॉजी में। दोस्तों 2023 को आने में कुछ ही समय शेष बचा है और हर व्यक्ति जानना चाहता है कि उसके लिए 2023 का वर्ष कैसा होगा। तो आज हम बात करेंगे कि धनु राशि वालों के लिए 2023 का वर्ष कैसा होगा। दोस्तों 2023 में चार बड़े ग्रहों का परिवर्तन संभव है। इन चार बड़े ग्रहों में गुरु, शनि, राहु और केतु भी शामिल हैं। शनि देव का परिवर्तन 17 जनवरी की रात को 4:30 बजे कुंभ राशि में होने जा रहा है। उसके बाद बृहस्पति देव अपनी मीन राशि से निकल करके मंगल की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। राहु 30 अक्टूबर को मेष राशि से निकल करके मीन राशि में गोचर करेगा तथा केतु तुला राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश करेगा। चार बड़े ग्रहों के परिवर्तन का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि के परिवर्तन से मकर के लिए उतरती 7:30, कुंभ के लिए मध्य 7:30 एवं मीन के लिए चढ़ती 7:30 का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसा जाएगा। धनु राशि वालों के लिए 2023 पराक्रम, सामाजिक, पद प्रतिष्ठा, भाई बंधुओं, मित्रों के सहयोग, सानिध्य में वृद्धि के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर वर्ष के रूप में साबित होगा। 17 जनवरी के बाद पराक्रम में वृद्धि होगी, सामाजिक पद में वृद्धि, नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अनुकूल प्रद। इस वर्ष खेल के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी समय बेहद ही सकारात्मक साबित होगा। भाई बंधुओं, मित्रों का सहयोग, सानिध्य मिलने के कारण कार्यों में प्रगति सरलता के साथ होगी, परंतु पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी। भाग्य में तनाव के साथ साथ प्रगति की भी स्थिति बनेगी। खर्च का योग भी बना हुआ दिखाई दे रहा है। 22 अप्रैल 2023 तक ग्रह एवं वाहन सुख के साथ साथ पद वृद्धि के लिए समय सकारात्मक रहेगा, परंतु 22 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय तनावपूर्ण हो सकता है। सीने की तकलीफ के साथ साथ चोट अथवा ऑपरेशन की भी स्थिति बन सकती है और मनोबल अचानक से कमजोर हो सकता है। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय प्रतिकूल रहेगा, विशेषकर 30 अक्टूबर 2023 तक। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।